सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आपने त व्यंजन का अभ्यास किया? चलिए आज हम त के बाद ख व्यंजन का अभ्यास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं थ व्यंजन की कहानी से। थानेदार थरथर सिंह की मेज पर एक थाली रखी हुई थी और उसके हाथ में एक थर्मस थी। तभी सिपाही थकन सिंह एक चोर को पकड़कर लाया, क्योंकि उसने एक थन वाली गाय चुराई थी। थानेदार को बहुत गुस्सा आया और उसने चोर से पूछा, गाय कहाँ से चुराई है? लेकिन वह कुछ नहीं बोला। इस पर सिपाही ने चोर को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। यह देखकर गाय बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अब ज़रूर चोर को बुखार हो जाएगा और उसे थर्मामीटर लगेगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? चलिए अब हम थ के शब्दों को पुनः दोहराएंगे। थ से थाली, थ से थर्मामीटर, थ से थानेदार थरथर सिंह, थ से थन, थ से थर्मस, थ से थकन सिंह और थ से थप्पड़। धन्यवाद बच्चों, अब आप पुनः अभ्यास कीजिए। बच्चों, अभी हमने व्यंजन थ की कहानी सुनी, अब हम व्यंजन थ को लिखने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आज की डेट। आज की डेट है 1.7.21.21 और यहाँ हम लिखते हैं क्लास वर्क C.W। तो चलिए व्यंजन थ बनाने का अभ्यास करें। तो व्यंजन थ के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा गोला, छोटे से गोले के साथ ऐसे। फिर इसकी बनाएंगे लंबी पूंछ और इसे जोड़ती हुई एक सीधी खड़ी रेखा। बच्चों, व्यंजन थ जो है उसमें होता है एक छोटा गोला। इस अक्षर को हम कहेंगे पगड़ी वाले अक्षर। सो पगड़ी वाले अक्षरों के ऊपर हम छत नहीं बनाएंगे, तो छत यहाँ बनेगी खड़ी रेखा के ऊपर ऐसे। थ, फिर से देखिए, एक छोटा गोला ऐसे, लंबी पूंछ, इसे जोड़ती हुई एक सीधी खड़ी रेखा और पगड़ी वाले अक्षर के ऊपर छत नहीं बनाएंगे और छत ऐसे रखेंगे। फिर से देखिए, एक छोटा गोला ऐसे, लंबी पूंछ, इसी जोड़ती हुई एक सीधी खड़ी रेखा और पगड़ी वाले अक्षर के ऊपर छत नहीं बनाएंगे, छत हम खड़ी रेखा के ऊपर बनाएंगे ऐसे। थ, फिर से देखते हैं, छोटा सा गोला, लंबी पूंछ, सीधी खड़ी रेखा और छत। फिर से देखिए, एक छोटा सा गोला, लंबी पूंछ, सीधी खड़ी रेखा और पगड़ी वाले अक्षर के ऊपर छत नहीं बनाएंगे, छत हम खड़ी रेखा के ऊपर बनाएंगे। फिर से देखते हैं, एक छोटा गोला, लंबी पूंछ, सीधी खड़ी रेखा और ऊपर सीधी खड़ी रेखा के ऊपर छत, पगड़ी वाले अक्षर के ऊपर छत नहीं बनाएंगे। थ, थ। बच्चों, अब आप भी व्यंजन थ को 5 लाइन्स में लिखने का अभ्यास करिए। अब हम बनाते हैं व्यंजन थ के चित्र। सबसे पहले हम बनाते हैं थ से थर्मस। सो थ से थर्मस बनाने के लिए एक छोटी सी लेटी हुई रेखा, इसे मिलाती हुई एक आड़ी रेखा, एक और आड़ी रेखा और इसे जोड़ दीजिए लेटी हुई रेखा के साथ। अब इसमें एक आड़ी रेखा, छोटी सी आड़ी रेखा और इसे सीधी लंबी रेखा के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ भी एक सीधी लंबी रेखा और इसे जोड़ दीजिए लेटी हुई रेखा के साथ और थर्मस का ऐसे बना दीजिए।
इसमें एक और बार ऐसे, ये है थ से थर्मस, थ से थर्मस। अब हमें बनाना है थ से थाली। तो थ थाली बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसे गोला, इसी को जोड़ते हुए एक और आधा गोला ऐसे जोड़ दीजिए, इसमें एक छोटी खड़ी रेखा बनाइए और इन्हें ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये है थ से थाली, थ से थर्मस, थ से थाली। अब हम बनाते हैं थ से थर्मामीटर। तो थ से थर्मामीटर बनाने के लिए एक आड़ी रेखा, उसी के साथ एक और आड़ी रेखा, इसे ऐसे जोड़ दीजिए और यहाँ पर ऐसे, ये है थ से थर्मामीटर। और इसमें ऐसे छोटी छोटी रेखाएं बना दीजिए, थ से थर्मामीटर। तो हमने चित्र बनाए हैं थ से थर्मस, थ से थाली, थ से थर्मामीटर। बच्चों अब आप भी व्यंजन थ को लिखने का अभ्यास करिए, इस व्यंजन थ के चित्रों को बनाइए, इसमें रंग भरिए और मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।